रामपुर के आरटीओ ऑफिस में जिलाधिकारी अंजनेय कुमार औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान अनऑफिशियल लोगों को वहां देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, साथ ही कई दस्तावेज को भी अपने कब्जे में लिया है। इस शख्स पर जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। डीएम अंजनेय कुमार इससे पहले भी इस ऑफिस में छापा मार चुके हैं। वहीं डीएम अंजनेय कुमार सिंह के मुताबिक उन्हें इस आरटीओ ऑफिस की कई शिकायत मिल रही थी, जिसे देखते हुए वो आज वहां पहुंचे। कुछ लोग ऑफिस में बाहर का काम करते हुए मिले। डीएम का कहना है कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही यहां कई कर्मचारी भी गैर हाजिर मिले। डीएम के निरीक्षण के दौरान कई दलाल छतों पर चढ़कर भाग गए। डीएम का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि ऑफिस में कुछ गलत हो रहा था। बहरहाल ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और संदिग्ध दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। कुछ शिकायतें थी जिसकी वजह से यहाँ पे आज निरीक्षण किया गया, उसमें ज़्यादातर लोग गैर हाजिर मिले, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। एक कुछ अनधिकृत लोग भी यहाँ पे कार्यरत मिले, उनमें से एक व्यक्ति जो और मकान मालिक खुद इसमें शामिल मिले, उनको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। सारी चीज़ों की जाँच करेंगे और निश्चित रूप से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चलने देंगे जो जनहित के खिलाफ हो। ये कार्रवाई सारी इसीलिए की गई है और आगे भी इसको सुधारने के लिए जितनी जो भी कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी वो हम बिल्कुल। अभी किसी को हिरासत में लिया है? अभी एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं जो यहाँ का मकान मालिक है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए तो एक व्यक्ति कुछ कागजों के साथ मौजूद था, वो यहाँ से कूद कर उस मकान में फरार हो गया और वो मकान मालिक को अच्छी तरह पता था क्योंकि इसके पहले उससे संपर्क में था, उससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हो सकता है मकान मालिक की भी इसमें मिली भगत हो, तो पूछताछ के बाद जो भी होगी कार्रवाई की जाए। आपने जब छापा मारा तो यहाँ से कुछ लोग फरार भी हुए, उन्हीं लोगों की पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे दलाली हो रही है। अब वो क्यों भागे, इन सारी चीज़ों की जब जानकारी ले लेंगे उसके बाद उसी हिसाब से।